बुंदेलखंड के इलाके में पानी एक बहुत बड़ी समस्या है। वैसे भी इसको सूखा इलाका माना जाता है, मतलब ड्राउट प्रोन एरिया इसको कंसिडर किया जाता है। इधर धनिया पत्ती लगी। हाँ। और खेती किसानी में क्या दिक्कतें आती है आपको? खेती में कहा दिक्कत है, जाई है कि आप खेती करबो है, मजदूरी है और कहा है, अब जगह उतनी है ना, मजदूरी कर रहे। पालक की खेती है ना? हाँ, हाँ, पालक। अब कहा है जाई 3 रुपया किलो जा रही, अब का फायदा हो रहा है? वोट देने से क्या होता? मदद मिला थे, कछ भी दे थे सरकार। अभी आपको गर्मी में जब आपकी उड़द का नुकसान हुआ, हाँ। तो कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं, नहीं मिले? नहीं मिलू, नहीं मिलू। अब तो मोदी जी को चल रहा है सब योजना, 1.5 साल पंजा वालों की भी सरकार देख ली और इतने समय फूल वालों की भी देख ली, तो किसने अच्छा काम करा? अब काम को नहीं है पता के को करवा रहा हूं। पानी की दिक्कत है ज्यादा, अगर पानी हो जाए अपने तो फिर गर्मी समस्या न रहे। हाँ। हम दमोह से अंदर गांव की तरफ जा रहे थे तो हमें रास्ते में ये खेत दिखा जहाँ पर ऐसे 4-5 लोग हमें काम करते दिखे, तो हम अपनी गाड़ी से उतर कर आ गए देखने के लिए कि किस चीज़ की खेती हो रही है, कैसी खेती है और इनका क्या कहना है आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर। यहाँ पहुँचे तो हमने देखा कि पालक तोड़ी जा रही है। पालक की खेती है ना? हाँ, पालक। तो नहीं मतलब यहाँ सिर्फ पालक की खेती होती है या और भी चीज़ है? और भी चीज़। इस बार क्या क्या लगाया? आज मूरा भी लगे, हाँ। पालक लगे, आलू भी लगे जी, आलू लगे, हाँ। 3 चीज लगाई। हाँ। कैसी हुई खेती इस बार? सही है। सही हुई? हाँ। पालक ये जैसे तोड़ रहे हैं आप, कितने रुपए किलो बेचेंगे? भाव बिल्कुल सस्तो है। सस्ता है? हाँ, सस्तो है। मंडी में जाएगी ना? मंडी तो जाता ही है। तो कितना ले देते हैं मंडी में? आपको पता भी हो रहे हम हो रहे नहीं जाते। अच्छा, वो अच्छा ठीक है, हम वो भैया से पूछ लेंगे जाके। आप लोग को रेट नहीं पता? हाँ, रेट नहीं है पता, भैया जाते हैं। हाँ। तो आप लोग सबके आपके ही खेत हैं, घर से ही हैं या फिर बस काम में लगी हैं? नहीं, घर से। घर से हैं। अच्छा। और आपके कितने बच्चे हैं, क्या काम करते हैं आपके बच्चे? 2 बच्चा हैं, सो एक अब घर को कराते, एक मिस्त्री गिरी कराते हैं, सो भी बाहर कराते हैं जी। बउआ कहाँ है हमारी? अच्छा जी, बड़ी बियासों गर्मी में उनकी शादी भाई, अभी 5-6 महीना भाई हैं भी, छोटी बारी मोड़े बिन्ना कहाँ आई भी दमू में हैं। अच्छा। बानाव भी रह जाए सगन्ना की कूदी भी उतरे भी आई हैं, सो भी आ जाइए, आई हैं भाई दूज है, सो भी आ जाइए भी माने मोड़ी कहाँ है हमारी। अच्छा, तो भाई दूज पे आई और काम पे भी लग गई? हाँ, वो आ जाइए। दीदी फिर आपके बच्चे क्या करते? कुछ नहीं, पढ़ने जाते। कौन सी क्लास में पढ़ते? बड़े बारे 11वीं, छोटे बारे 9वीं। अच्छा। स्कूल कितने दूर है यहाँ से? बांदकपुर जात, बड़े बारे छोटे आने जात। कितना दूर है बांदकपुर यहाँ से? 3 किलोमीटर बता दो। अच्छा, 4 और 3 किलोमीटर दूर है। अच्छा, तो अभी आप लोगों की क्या समस्याएं हैं यहाँ पर इस गांव में, क्या दिक्कतें हैं? पानी, बिजली, सड़क सब है? पानी तो नली लग गया, हमारे तक कुआं ही है। कुआं ही है? हाँ, नली लग गया। वो नल जल योजना के तहत नहीं है पाइपलाइन? अब पाइपलाइन तो है, अकेले हमारे तक नहीं अवेलेबल हुआ अभी। आपके तक नहीं लगा? अच्छा, नली लग हुआ। और बिजली का क्या हाल है यहाँ? सही है, बिजली हमेशा रहती है? हाँ, रहते हैं। जाती वाती तो नहीं है, कटती है? हाँ, नहीं है। नहीं, अपनी ऐसी तरह मना तो जात रहा थे थोड़ी बहुत। हाँ, थोड़ी बहुत तो अब जाता ही रहे। और गांव तक सड़क अच्छी आई है? हाँ, ये सड़क गांव लो। हाँ, अंदर भी? हाँ, सब है। और आप लोगों को सरकार की किसी स्कीम का फायदा मिला है? गैस सिलेंडर मिला? हाँ, गैस सिलेंडर नहीं है भाई, भरवाओ है फॉर्म में, उनको सुबह नहीं मिली वो गैस नहीं है। नहीं मिला? किसमें? लकड़ी पे बनाते? अब लकड़ी से बना था हमारे तो खाना, अब गैस नहीं है। गैस नहीं है। आवास बना आप लोगों का, प्रधानमंत्री आवास? अब हम नहीं समझा था, हम पढ़े लिखे नहीं। कुटी? हाँ, कुटी कुटी, कुटी। हाँ, बनी है? बनी है? हाँ। सबकी बनी? हाँ, सबकी नहीं, अब इन्हीं की भर आई है। अच्छा, इन्हीं की? हाँ, अब हमारी नहीं आज जा। आपकी नहीं? हाँ, नहीं आई अब।
और लाडली बहना का पैसा आता है? अब हम और हम मिला था, हमें उन्होंने मिला था। आपको मिला? हाँ। और किन्हें नहीं मिला? उन्होंने मिला है। अच्छा, ये वाली दीदी की। हाँ। आपको बिल मिला? हाँ। तो अच्छा, आप लोग को अभी 3-4 महीना हुआ होगा ना? 5-6 महीना हुआ शादी। हाँ। तो क्या करते हैं वो पैसे का? कुछ मदद होती है उस पैसे से आप लोगों की? अब होते हैं, अब खर्चा ही हो जाते। किस चीज में खर्चा होता है? अब यही तो हो जाता, घर के खर्चे। घर के खर्चे। और तो अगर आप लोगों का कोई काम करके दे सरकार, आपकी कोई इच्छा पूरी करे, तो आप उनसे क्या मांगेंगी कि क्या पूरा कर दे सरकार, क्या काम कर दे आपके लाने? कोई एक इच्छा बताइए सोचकर। का सब ठीक है, अब जेका छूनो दे नहीं आंसू दे। नहीं तो कुछ तो काम होगा जो आप चाहती हैं कि सरकार करे, जिससे आपके जीवन में सहूलियत आए, कुछ बेहतर हो। तो जगह हमारी थोड़ी सी है, ज्यादा नहीं ना, सुबह काम करा था बच्चा दुई, छोटी भी चली जा तो बड़े सु करता ही है, छोटी भी चली जाए जैसे कहूँ लगू तो चले गए, और जगह है थोड़ी। हाँ। मजदूरी करने चले जा? हम अब जा करता ही है मजदूरी, बड़े तो 12 महीना कराते हैं बड़े लड़का हमारे, और छोटे भी चली जात। कहाँ जाकर मजदूरी करते हैं? मजदूरी तो बिना आपका चुनो पूछो को आपको दमों में लग जाए, जहाँ जैसे लग गाओ उतर चले गए मकानों को, जहाँ लग गाओ जहाँ चली जा। फिर त्योहारों पे लौटते होंगे? और हाँ, सो यहाँ से जैसे दम हुए होंगे, जहाँ जैसे लगे जैसे दम हुए ना, जहाँ लगू सब सुबह जाते शाम, सुबह जाते शाम हो अपने यहाँ जाते गाड़ी से। उनको कितनी मजदूरी मिलती? अब मजदूरी मिले पर उनको तो कहा पहले 50 रुपया मिलाती। 50 रुपये दिन वार का पियली। और अब? अब नहीं पता, अब तो 200-300 यहाँ से मिले थे, 200-300 रुपये दिन की मजदूरी मिलता है। 200-250-300 जी में हमारे देहात में तो 200 मिला, ये तो देहात में 200 है मजदूरी, 200 रुपये मिल रहा है मजदूरी दिन की, 200 रुपये मिलती है जो भी काम करते हैं। दीदी आपने सोचा कुछ क्या इच्छा पूरी करवाएंगी बताइए? अच्छा आप वोट देती हैं? वोट देती हैं? हाँ। आप भी देती हैं? हाँ देते हैं। तो आप लोग को पता है हम वोट क्यों देते हैं? सामने आती हूँ बताइए हम वोट क्यों देते हैं पता? हाँ वोट देने से क्या होता है? मदद मिला थे कछु भी देते हैं सरकार। सरकार बनती है ना, नेता चुने जाते हैं, वो नेता आप लोगों के लिए काम करते हैं। हाँ। तो आपके लिए क्या काम करना चाहिए उन नेता को? कछु भी मदद, जैसे पैसा भी दे तो और भी दे। निंदाई करने कछु लगा सो गुड़ाई भी करने सो जो ही करा रहता। बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसी है? सही है। सही है। हाँ। क्या चाहती हो बड़े होकर बच्चे क्या बने? अब पता नहीं है। आप ऐसे कुछ सोचती हैं कि मेरे बच्चे बड़े होकर ये बने? और का क्या में फायदा नहीं है, सो कछु बनाई जाए तो उनको भविष्य है सो। रुकिए रुकिए, खेती में का आधार हुआ है सच तो बेकराओ साहब। अब बाल बच्चे तो ऐसी के कछु बनाई है तो अच्छी आए अपने लाने। और का अब का है जाई 3 रुपया किलो जा रही, अब का फायदा हो रहा है? इतनी अच्छी पालक भी 3 रुपये किलो? हाँ 3 रुपये किलो बिकती है थोक में। उतई पे अब ये तेसे ऑटो में ले जाओ सो उसको भाड़ो भी कटने। सब सस्ता जा रहा है। आप लोगों को पता है आपके विधायक कौन है? विधायक का नाम पता है आपको? पता नहीं आपको? पता है टंडन जी? टंडन जी। हाँ। अच्छा वो है कांग्रेस से? हाँ हम तो दमोई के हैं। दमोई के हैं। अच्छा आपकी तो शादी वहीं हुई। और भाजपा से कौन लड़ रहा है पता है? मलज्जा जी। जयंत मलज्जा। हाँ भी इतने के है मलज्जा मिल के। हम होते हैं वार्ड नंबर 4 के आए बेबी आई की। अच्छा। हाँ। तो आपको कौन से वाले ज्यादा पसंद है, पंजा वाले या फूल वाले? किसने ज्यादा अच्छा काम किया? अब अभी तो मोदी जी को चल रहा है सब योजना।
तो मोदी जी तो केंद्र में है लेकिन यहाँ यहाँ कौन अच्छा काम कर रहा? कोई आया आप लोगों से मिलने, वोट मांगने आए थे फूल और पंजा वाले? नहीं अभी तो नहीं आए, कोई नहीं आए थे आपके गांव? नहीं आए, नहीं आपके तरफ आए? हाँ हम आए थे, आए थे पंजा वाले भी और बीजी वाले भी आए थे, कमल वाले भी, हाँ सब जने आए थे। तो आपने तो 1.5 साल पंजा वालों की भी सरकार देख ली और इतने समय फूल वालों की भी देख ली, तो किसने अच्छा काम करा? अब काम को नहीं है पता के को करवा रहा हूँ। अच्छा, आपको किसके कारण फायदा हुआ, आपको क्या मिला, आपके घर पर क्या मिला? हम आए तो थे तो हम आई तो अब कुटी उटी भी नहीं आई, कुटी उटी भी नहीं आई। आपको लाडली बहना का पैसा मिला? हाँ वो मिलता है हमें, उससे क्या कोई मदद होती है आपकी? हाँ होती है, घर में काम आ जाते हैं खर्चा खिलाने और उसका घर गृहस्थी को सामान ले लो अपना, सब्जी है जो अपने पास नहीं हो गई। हाँ और गैस सिलेंडर है आपके पास? नहीं नहीं, नहीं है, नकली पैसे बनाते हैं। तो उज्ज्वला योजना का फायदा नहीं मिला? नहीं है, मतलब हमारे माँ सबके हैं, हमने फार्म ने भरू तो हाँ इस बार भरेंगी अब आप? हाँ भर, मिल हैं तो भर दे हैं और क्या। क्या काम करना चाहिए यहाँ पर नेताओं को जिससे आपको थोड़ा सा सहूलियत हो, कुछ अच्छा हो? स्कूल वगैरह है गांव में? अच्छा अच्छा है, हाँ पढ़ाई भी अच्छी होती है? हाँ होते हाँ, पाँचवीं तक है, मर जामे हैं पाँचवीं तक, छोटे बच्चों हैं जैसे छोटे हैं दूर नहीं अभी जैसे मानू दूर पर जा बांदापुर दूर, तो पाँचवीं तक इतने हैं गाँव में, छठवीं से बांदापुर लिखवा दूँ आनू लिखवा दूँ जहाँ पढ़ाऊँ। पाँचवीं तक का स्कूल गाँव में, उसके बाद का आगे? अच्छा, तो यहाँ दीदी ज्यादातर लोग मजदूरी करने क्यों जाते हैं बाहर, यहाँ कोई काम नहीं है? अरे बिना काम करने पर आते, रुकिए काम करने पर आते, अब घर देखो जगह है थोड़ी, अब घर हम हो रहे हैं कार भी, अब काम तो करने पर है, कुल मुत की जगह हो तो लगी रहता लड़का, अब थोड़ी जगह है तो करने पर है मजदूरी। तो मतलब पलायन मजदूरी एक समस्या है? हाँ वो अब कर नहीं पा रहे काहे, सभी के घर वाले ऐसे बाहर जाते हैं करने? अब जात रहते हैं कुल बहुत जाने जाते हैं, जी की मुत की जगह है सो नहीं जात, जी की छोड़ी है सो जात हैं। वो जाएगी दो क्रेट में जो वहाँ पे धरी है और ये हमारे पापा फुटकर मतलब मैं से घर घर जाके बेचेंगे थोड़ी सी। हाँ क्या टोकनी में लेकर जाते हैं? नहीं साइकिल पे ले जाके थैलों में लेके जाते हैं। हाँ तो फुटकर में कैसे किलो बिकती है? अब 10-8 की बिक जाए, वहाँ से 3 की बिक रही, वहाँ से फुटकर में 10 की बिक जाए। हाँ देखिए जो पालक आप और हम खरीदते हैं वो जब ये मंडी में बेचते हैं तब 2-3-4 रुपए किलो तक जाती है, और जब ये घरों में जाकर बेचते हैं तब इनको 10-10 रुपए किलो में बिक जाती है, तो कुछ फ़ायदा हो जाता है। फिर बाकी सारी कल काटेंगे? हाँ कल काटेगी अब, एक साथ सारी नहीं बेचते, थोड़ी काटे हैं, फिर सुबेरे सुबह का माने 6-6:30 बजे से धोने थैला भरने फिर मंडी ले जाने। हाँ तो मंडी भी दाऊ ही लेकर जाते हैं? हाँ और फुटकर पे बेचने भी वही जाते हैं? भाव भी अभी चली जाते, छोटे वाले भैया जाती है मंडी। हाँ छोटे वाले भैया चले जाते जिस दिन काम पे नहीं जाते। आपके घर पर पालक ही बनती होगी? हाँ बन जाते कभी कभी, ज्यादा नहीं खाते घर पे रहती देख देख के। हाँ तो ये सारी पालक आपने ऐसे बांध कर रख दी? हाँ बांध कर रखी है, अभी गीला करके रखा है। हाँ अच्छी ताजी सी रही आए ना मुरझा जाएगी, और इसको आप कल सुबह ले जाएंगे? कल सुबह धो के कल सुबह जाएगी मंडी दमो। तो यहाँ खेती में पानी की समस्या होती है आप लोगों को? अब अबे तो है वहाँ गर्मी में नहीं बचाते पानी थोड़ो, अब गर्मी में नहीं ज्यादा रहती है। फिर गर्मी में क्या करते हैं? मतलब खेती बंद हो जाते बेबत नहीं है, थोड़ी 2-4 बरहियों में ऐसी खा भी खिलाने लगा ले, बेच भी खिलाने नहीं रहता है, मजूरी कराते हैं। फिर पानी कम है यहाँ से, बरसा नहीं भज जा सो कम है कुगा में,
और वैसे भी यहाँ थोड़ी सी पानी की समस्या है ना इस इलाके में? पानी की है, पानी ज्यादा नहीं है कुओं में, मतलब कुआ तो अभी खाली हो जाती है ठंड में, ठंड में ही फिर वो झेरे आते हैं थोड़े थोड़े तो चलाते रहते, फिर अब दो तीन महीना में खाली हो जाए, फिर अब बारिश में उगाएंगे। बारिश में तो उड़दा की उड़दा बहते हैं। अच्छा, उड़द की दाल। पानी नहीं गिरो ज्यादा भाई नहीं इस बार। हाँ, पानी नहीं बारसो, कहाँ बारसो पानी, परेशान हुआ आप लोगों का। हाँ, उड़दा की खेती अच्छी नहीं पजी यार। तो कुछ मुआवजा मिला उसका? कछु नहीं मिलू, नहीं नहीं मिलू। इधर धनिया पत्ती लगी। हाँ। तो क्यों काट रहे आप इसे हसिया से? हसिया से जब बड़ी हो गई सो बिकत रही। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब खुशबू तो हम आपको कैमरे पर वो नहीं कर सकते, लेकिन बड़ी अच्छी भी है। फिर इसका क्या करेंगे बाबा जी? जी तो अपन ढोरों में डाल दें। अच्छा। हाँ। धनिया कैसे बिक रही है? धनिया 5 रुपया किलो। 5 रुपया किलो। हाँ। अच्छा, और फुटकर में? फुटकर ये में तो 10 की जात है। हाँ। और उसमें से 5 जात? 5 हजार। अच्छा, तो धनिया आपने थोड़ी सी उगाई है बस? हाँ, इतना ही है। हाँ। बाबा जी बताइए, यहाँ सरकार की किसी स्कीम का फायदा मिला आपको? आपके जीवन की क्या समस्याएं हैं? अब जीवन में तो मजदूरी है ही है। हाँ। और का है। हाँ। और खेती किसानी में क्या दिक्कतें आती है आपको? खेती में का दिक्कत है, जाई है कि आप खेती करबो है, मजदूरी है और का है, अब जगह उतनी है ना मजदूरी कर रहे। हाँ, मजदूरी दो लड़का जात है। हाँ, अब थोड़ी जगह है सुस्ते ही में अपनो करत खात हैं। हाँ। पानी वानी कैसा है यहाँ पर? पानी कम ही है। हाँ, उका कुगा रही थी, आपने देखो हुई है। हाँ, कुगा देखा अभी आते हुए। हाँ, कम पानी है कुएं में। हाँ, गर्मी में बचता ही नहीं है और। हाँ। तो गर्मी में आप लोग क्या करते हैं? मजदूरी। आप भी मजदूरी पे जाते? हाँ। अब का है खर्चा हो तो चाने खर्च के काज है तो चाने पैसा। इस उम्र में भी आप मजदूरी करते हैं? हाँ, अब देखो अब लड़का वाले अब जेते, अब जगह है नहीं जेते, जगह में एक एक दो एकड़ में तो दो हमारे दो भज्जा हैं। हाँ, तो एक एक एकड़ जमीन है। हाँ। अच्छा, आपके भाई की भी है? हाँ, दो जने कहा है तो वही का भज्जा। अभी आपको गर्मी में जब आपकी उड़द का नुकसान हुआ तो कोई मुआवजा वगैरह कुछ नहीं मिले? नहीं मिलू, नहीं मिलू। आपने भरा था फॉर्म वगैरह? हाँ, नहीं मिलू, कुछ नहीं मिलू। हाँ हाँ। अच्छा, तो आपको क्या मिलता है फिर? आपके खाते में पैसा आता है वो 2000 रुपए? हाँ, वे तो आते हैं, बस वही आता है, वे ही बात। अच्छा, अभी आप चुनाव में वोट डालेंगे? डालें, वोट तो डालें, वोट तो अपन देने हैं। आपको कौन से वाले फूल वाले आपको अच्छे लगते हैं या फिर पंजा वाले, या किसने आपके लिए काम करा? अब काम तो दो ही ने कलो है। आओ, अब क्या करो बताओ। अब जो ही है का, अब जे कुटी आ गई हमारी, एक आ गई बड़े मोड़ा की। हाँ। एक जब हमने घर ही से बनाई थी मजदूरी से। पैसा मिल रहा तो हमें तो कमाल में देने। हाँ? हमें तो कमाल में देने बिंदा। अच्छा, आपको तो पैसा मिल रहा है लाडली बहन। हाँ, तो हमें तो कमाल में देने, हमें नहीं देने को, हमें तो कमाल में देने। बाबा जी आपका क्या कहना है? आप सहमत बेबी दे है कमाल में, हम कह रहे हैं कि बेबी कमाल में दे है। अरे, आपका अलग है उनका अलग है। आपके लाने किसने काम करा? अब वो भेज दे रहे मोदी जी, अब वो पैसा वो नहीं होते अभी और का। हाँ। तो मोदी जी से और कोई शिकायत कर रही है कि कोई काम कर दे आपका? बताओ क्या काम कर दे। अब का है, अब का दे है, बेज है, पैसा ही आ रहा है और का आ रहा हूँ जा रहा हूँ वो चार। हाँ है, जब वो ना तो मिले। कोई जैसे आपको खेती किसानी में आसानी हो, कोई ऐसा काम जो नेताओं को करना चाहिए वो काम बताइए ना। अच्छा, आप कहा? हाँ भैया, सो कहा बता दे, हम कहा दे रहे हैं। नहीं, जैसे आप खेती करते हैं तो कोई समस्या हो आपको खेती में, जैसे आप पानी की दिक्कत बता रहे हैं ना। हाँ। तो पानी की दिक्कत के लिए यहाँ पे पाइप लाइन आनी चाहिए ना आनी चाहिए? हाँ, जा तो है, पाइप लाइन आ जाए तो अच्छी बात है, पानी आ जाए अपने। हो
तो ऐसी और कोई दिक्कत है तो बताइए। पानी की दिक्कत है ज्यादा, अगर पानी हो जाए अपने तो फिर गर्मी समस्या न रहे। हाँ तो अच्छे से खेती हो। हाँ हाँ अच्छे से खेती होने लगे अपनी। और कुछ नहीं चाहिए आपको? और कोई इच्छा नहीं आपको? वो कहा है पैसा मिल रहे हैं, वो मिले वो देवे सरकार जो कछु देवे अपन हो सही है अपन तो। और कहा जो भी इनको 2000 रुपये 3 महीने में या साल में 6000 रुपये आ जाते हैं और जो लाडली बहना के इनको भेज जाते हैं, ये कह रहे हैं हम उससे खुश है, बाकी हम मेहनत मजदूरी करते हैं। इच्छा ऐसी कोई बड़ी है नहीं, बस पानी आ जाए तो इनको खेती किसानी में है ना आसानी हो। खेती अपनी हो जाए। हाँ। अच्छा, और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कोई सुविधा चाहिए? ठीक है पढ़ाई लिखाई और सुविधा हो तो मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अब ना तो भाई का मिल रही अपन तो वे किताबें ही किताबें मिलती हैं और का धरू पैसा ऐसा कौन आ रहा उनके लाने का पढ़ाई लिखाई उन्ना कपड़ा इस कालस लो नहीं आई जा। 2-3 साल जो नौमी पढ़ने लगू इस कालस तक नहीं मिली 2-3 साल की। अच्छा किसको? इनके लड़के को? भाव माने स्कॉलरशिप नहीं मिली इस कालस लो नहीं मिली क्या? अच्छा बता रही है कि स्कॉलरशिप नहीं मिली। बड़े भोले भाले होते हैं लोग और किसान। तो ये मैडम के बहुत भाई है मिल गाओ जो कछु मिल गाओ अब तो ऐसी का जितनी भाई सो भाई मिलत गाओ तो मिली तो गए ना का धरो अब दे हाथ में जाई मजदूरी अपन तो मजदूरी करने ही है जहाँ मिली और का है। अबे जब जो अपने हमरो को धन दो उस बिल्कुल माटी मोल हो जात सस्तो हो जात वो जब इतनी रा सब महंगो रात आप सो बिल्कुल सस्तो हो जात उ जरा 2 रुपया 3 रुपया 5 रुपया किलो का धरू 5 रुपया किलो सब कछु होगा अब अपनो आओ माल हो सस्तो भाव सो मजदूरी है बात अपन होने को काद है। आपने इन भोले भाले किसानों को सुना, इनकी इच्छाएं सुनी, ये क्या चाहते हैं। और हम जब अभी खेत में हैं तो इतनी अच्छी धनिया की खुशबू आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी फ्रेश है। लेकिन देखिए ये किस भाव बिकेगी, 5 रुपये 10 रुपये किलो, इसका इनको क्या ही फ़ायदा होगा। थोड़े से लहसुन भी लगे हैं सोर। अब हम जाएंगे किसी अलग विधानसभा क्षेत्र में, लोगों से बात करेंगे, हर वर्ग के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि उनके क्या मुद्दे हैं, क्या इच्छाएं हैं, वो क्या उम्मीद करते हैं सरकारों से। और कुछ लोग बड़े स्वावलंबी होते हैं जिनको किसी से कोई उम्मीद नहीं होती, वो बस अपने ही काम में अपने ही काम करते हुए खुश रहते हैं। कैमरे के पीछे मेरे साथी विजय थे, मेरा नाम सोनल है। आप इस बातचीत पर क्या सोचते हैं हमें कॉमेंट बॉक्स में बताइएगा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की वोटिंग 17 तारीख को होनी है, आज 15 तारीख है, शाम का वक्त हो रहा है, वोटिंग बिल्कुल थम प्रचार प्रसार बिल्कुल थम चुका है। तो अब देखते हैं कि 2 दिन बाद इनका वोट किस ओर पड़ता है, किसकी सरकार बनती है। आप ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।